अपने दीन दे प्रचार लई सबना ते जुल्म कर रहा है। ओए दीन दा प्रचार नहीं, अपने औगणा ते जुल्मां नूं छुपाना चाहुंदा है, वड्डा धर्मी भी बनना चाहुंदा है। कहिंदे ने गुरु जी ते उना दे साथी तीन सिखा नूं इक सुन्नी हवेली विच रखिया गया है। ओए पल्लेओ, जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु, सो थान सुहावा राम राजे। ओ थां हुण सुहावा हो गया है। ब्रावो, मैं ता सुनया है कि गुरु जी नूं तसीहे देण लई इक पिंजरे विच कैद कीता गया है। उत्थे ना ते उह सिद्धे खड़ सकदे ने ते ना ही बह सकदे ने। सच्चे पातशाह मेरे कन की सुन रहे ने? और गुरु प्यारे, ओ कुछ सुनिया? नहीं नहीं, 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 नहीं। और चलो चलिए, चांदनी चौक विच पाला वापरन लगा है। चलो 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 चलो। भाई मतीदास जी नु आले नाल चीरिया जा रहे हैं। मुगल बादशाह दा ए भरम है कि शायद इस तरह गुरु जी ढोल जानगे। मेरे सतगुरां दा फरमान, पै काहू को देत ने नै पै मानत आन। ओए गुरु, कर किसे नु डर देंदा भी नहीं ते डर मंदा भी नहीं। मतीदास जी, तन तुहाडी सिक्खी अते तन तुहाडा सेवक, जप जी साहब दा पाठ नहीं विसरिया। वेखो ओए वेखो, दो टोटे होया तल भी आवाज दे रहा है। ओ वेखो, भाई सतीदास जी नु रूह विच लपेटिया जा रहा है। ओ भाई मतीदास जी ते भाई सतीदास जी सके भरा, गुरु जी दे अनन सेवक, एक दीवान ते दूजा लिखारी। ओए उना दा सिदक देखो कि चेहरे ते जलाल पर मौत दी परवाह नहीं। भलियो अजहे सिदकियां दे सिदक उपर ही कौमां दे मैल उसरदे ने। वाह मेरे सतगुरा वाह, ओए तन्नो तुसी ते तन तुहाडा सिख। सिख दा सिदक देखो भरावो, भाई दयाला जी की गा रहे ने। जिंद जाए ता जाए, मेरा सिखी सिदक ना जाए। ओए वाहगुरु जी सिखो, ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਨ ਡੋਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਜ਼ੀ ਅਬਦੁਲ ਵਹਾਬ ਬੋਹਰਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਜਾਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਾਂ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਓ, जा फिर मौत कबूल करो। गुरु जी ने जवाब दिता, धर्म त्यागण का सवाल ही नहीं, करामात कहर का नाव है ते शहीद होना सानू परवान है। गुरु जी का जवाब सुन के काजी ने फतवा सुना के शहर विच ढिंडोरा पिटण लई फरमान जारी कर दिता, जो बोलिया नहीं बोलता। इस तरह 11 नवंबर 1675 ईस्वी नूं वीरवार वाले दिन सवेरे 10 बजे हिंदुस्तानी लोकां नूं जालम हुकूमत दे पंजे चों कढ़न लई गुरु तेग बहादुर जी ने हिंद दी चादर बन के धर्म दी रखिया कीती। भावें बादशाह दा हुकम सी कि गुरु साहिब दे सीस ते ताड़ शहादत वाली थां ते ही पए रहणगे,
पर गुरु घर के सेवक भाई जैता जी मुगलों के पै तो बेपरवाह हो के गुरु साहिब का सीस उठा के छिपते छिपाते किरतपुर साहिब वाल तुर पाए ते पांच पड़ाव पार करद किरतपुर साहिब जा पुजे ते गुरु गोबिंद सिंह जी ने पिता का सीस भेंट किया। भाई जैता जी की गाथा सुन के दसम पिता जी ने भाई जैता जी नू हिक ना ला के कहा, रंग रेटा गुरु का बेटा। दूजे पासे दिल्ली दे शाही ठेकेदार ते गुरु घर दे सेवक भाई लखी शावण जारा अपने साथियों की मदद नाल गुरु साहिब जी दे धड़ नू अपने रूह दे गड्ढे च लुको के पिंड राय सिन्हा दे रकाबगंज मुहल्ले विच अपने घर लै गए, जिथे रात टली अपने घर विच चिखा बना के घर नू ही अग लगा के गुरु साहिब दे धड़ दा संस्कार कीता। धन हन गुरु साहिब ते धन गुरु दे सिख। अज श्री गुरु तेग बहादुर जी दी याद विच दिल्ली, पंजाब, आगरा, इलाहाबाद, पटना साहिब, ढाका, असम बल्कि समुचे भारत विच अनेक अस्थान हन जिथे संगतां बड़े प्यार ते सत्कार सहित अपना सीस झुकांदियां हन। नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहिब जी की कुरबानी नूं श्रद्धा दे फुल अर्पण करदियां होईयां गुनगुनांदियां हन। तेग बहादुर सिमरिए कर नौ निधि आवे थाए सब थाए होए सहाय। ए शहीदी समारक सारे धर्मां दी आजादी का प्रतीक है। ए समारक दे विचकार नजर आ रहा खंडा एक अकाल पुरख दी इलाही शक्ति नूं प्रगट करता होया गुरु तेग बहादुर साहिब जी दी यादगार दा प्रतीक है। खंडे दे चुफेरे नजर आउंदियां तिन्नों यादगार भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी अते भाई दयाला जी दी दित्ती होई खौफनाक शहीदी नूं समर्पित हन। ये दर्शा रहे हन कि इन्हां तिन्नां गुरु सिखां ने अपनी आखिरी इच्छा इन्हीं प्रगट कीती सी कि शहीद होण समय इन्हां दा मूंह अपने गुरु वाल रख्या जावे। इसलिए इन्हां तिन्नां सिंघां दी यादगारां दा मुख विचकारले खंडे वाल कीता गया है। असी इन्हां सारे महान शहीदां नूं अपने दिल दीआं गहराईआं विच्चों कोट कोट प्रणाम करदे हां। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। Thank you.